मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ्टॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 7, माय हैप्पी स्कूल। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। यहाँ पे हमें क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करने थे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किए हुए हैं। फर्स्ट है आई गो टू स्कूल एट। तो आप जब भी स्कूल के लिए निकलते हो उसका यहाँ पे टाइम अरेंज करना है, तो मैंने लिखा है 7 o'clock। फिर है माई स्कूल स्टार्ट्स एट। स्कूल स्टार्ट कब होती है? 7:30। ओके, फिर है माई स्कूल गेट्स ओवर एट। स्कूल ख़त्म कब होती है? 12:30 को। ओके, अब हम आगे देखते हैं। रानी गोज टू स्कूल इन द स्कूल वैन। जो रानी थी वो स्कूल में स्कूल वैन के थ्रू जा रही थी। इट पिक्स हर अप फ्रॉम हर हाउस। जो स्कूल वैन थी वो रानी को अब उसके घर से पिक करती थी। सी नोज द वैन्स नंबर। उसे वैन्स का नंबर पता था। इट इज़ रिटन ऑन द नंबर प्लेट। नंबर पे, नंबर कहाँ पे लिखा होता है? व्हीकल की नंबर प्लेट पर। सी कॉल्स द वैन्स ड्राइवर रामू अंकल। उसके जो वैन के ड्राइवर थे उनका नाम क्या था? रामू अंकल। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें एक स्कूल है। तो स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट चिल्ड्रन अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई होता है तो उसके पेरेंट्स उसको ड्रॉप करते हैं, कोई ऑटो रिक्शा में स्कूल में आता है, कोई चल के स्कूल में आता है, या तो कोई स्कूल बस में स्कूल में आता है, या तो वैन में आता है। तो आप कैसे जाते हो अपने स्कूल में वो आपको बताना है। ओके, रानी हैज़ मैनी फ्रेंड्स हु केम टू स्कूल। जो रानी थी उसके बहुत सारे फ्रेंड थे कि जो उसके साथ स्कूल आते थे। सम वॉक टू स्कूल। कुछ ऐसे थे जो चलकर आते थे। सम कम ऑन बाइसिकल। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बाइसिकल लेकर आते थे। अदर्स कम इन अ बस और देयर पेरेंट्स ड्रॉप देम बाय देयर ओन व्हीकल्स। और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो बस से आते थे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको अपने मम्मी डैडी उनके व्हीकल पे ड्रॉप कर देते थे। अब हम आगे देखेंगे। आस्क योर क्लासमेट्स हाउ दे कम टू स्कूल। आपके क्लास में आपके साथ जो भी स्टूडेंट पढ़ते हो उसका आपको यहाँ पे नेम लिखना है, और बाजू में है हाउ डू यू कम टू स्कूल, यानी कि वो कैसे स्कूल से आते हैं, बाय बस, बाय वैन, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपको ऐसे ही क्लासमेट टू को उसका नाम पूछना है और वो कैसे स्कूल में आता है वो करना है। ओके, एट स्कूल चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल एवरी डे। चिल्ड्रन जो होते हैं उसे उनको हर रोज़ स्कूल में जाना चाहिए। अ स्कूल कैन बी अ स्मॉल बिल्डिंग और अ लार्ज बिल्डिंग विथ अ मैनी फ्लोर्स। स्कूल क्या है? तो स्कूल एक स्मॉल बिल्डिंग भी हो सकती है और एक लार्ज बिल्डिंग भी हो सकती है विथ मैनी फ्लोर्स। उसके फ्लोर्स भी ज़्यादा होते हैं। ए डे इन अ स्कूल स्टार्ट विद द मॉर्निंग असेंबली। हमारा स्कूल में जब हम जाते हैं तो स्टार्ट डे कैसा होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? मॉर्निंग असेंबली। फिर स्टूडेंट्स से अ प्रेयर ड्यूरिंग द असेंबली। और असेंबली में स्टूडेंट्स क्या करते हैं? प्रेयर को से यानी कि गाते हैं। देन दे फॉर्म अ क्यू एंड गो टू दैट क्लासरूम्स। उसके बाद वो क्यू में अपने जो भी क्लासरूम है उसमें चले जाते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल के यूनिफॉर्म डिफरेंट होते हैं। चिल्ड्रन वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल। स्कूल जाने के लिए चिल्ड्रन को पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। द यूनिफॉर्म इज़ द कॉमन ड्रेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल। यूनिफॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म एक कॉमन ड्रेस है स्कूल के सारे बच्चों के लिए। लेट अस लर्न टू वियर आवर यूनिफॉर्म। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म को कैसे वियर करना है, यानी कि पहनना है। फर्स्ट है वियर अंडरगारमेंट्स। पहले हमें अंडरगारमेंट्स वियर करने हैं, उसके बाद पुट अ शर्ट, तो उसके ऊपर शर्ट को पुट करना है। फिर थर्ड पिक्चर में है नाउ वियर स्कर्ट शॉर्ट्स और ट्राउज़र। तो आपकी यूनिफॉर्म में स्कर्ट हो तो स्कर्ट, फिर शॉर्ट्स हो तो शॉर्ट्स और ट्राउज़र हो तो ट्राउज़र, इसको वियर करना है। फिर है वियर स्कूल बेल्ट।
को करने के बाद हम क्या करेंगे, स्कूल बेल्ट को वियर करेंगे यानी कि पहनेंगे। फिर पुट ऑन द टाई, फिर टाई को पहनना है। फिर वियर सॉक्स, फिर हम सॉक्स पहनेंगे। पुट ऑन पॉलिश द शूज, और हमें शूज कैसे पहनने चाहिए, पॉलिश्ड। फिर वियर स्कूल बैच, हमें बैच दिया जाता है उसको हमें वियर करना है। एंड आइडेंटिटी कार्ड, जो हमें स्कूल में से आइडेंटिटी कार्ड मिला है उसको हमें पहनना है। फिर क्या करेंगे हम, कॉम हेयर, ये सब करने के बाद ही हम स्कूल जाएंगे। प्रिंसिपल पीपल इन स्कूल, तो स्कूल में कौन से पीपल होते हैं वो अब हम देखेंगे। डिफरेंट टीचर्स टीच डिफरेंट सब्जेक्ट टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम, स्टूडेंट जो भी क्लासरूम में हो उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए डिफरेंट टीचर्स रखी जाती है। स्टूडेंट्स स्टडी सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल स्टडीज। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज। दे ऑल्सो लर्न म्यूजिक, डांस, एक्सरसाइज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब पढ़ाई के सब्जेक्ट भी उनको पढ़ाए जाते हैं। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में उन्हें जो भी उनको इंटरेस्ट हो, म्यूजिक, डांस, एक्सरसाइज, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब भी स्कूल में सिखाया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट है इंग्लिश टीचर, सेकंड है डांस टीचर, थर्ड है म्यूजिक टीचर, फोर्थ है आर्ट टीचर एंड लास्ट में है पीटी इंस्ट्रक्टर। द फॉलोइंग पीपल हेल्प यू एंड केयर फॉर यू इन द स्कूल, यहाँ पे ये जो पीपल है वो स्कूल में हेल्प एंड केयर, स्कूल की हेल्प और केयर करते हैं। फर्स्ट कौन है, द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या काम करते हैं, द प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। जो प्रिंसिपल होते हैं उसको हम कहेंगे हेड ऑफ द स्कूल, उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्कूल की। यू कैन मीट द प्रिंसिपल इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, आपको स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो तो आपको किससे मिलना है, प्रिंसिपल से। सेकंड है द रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट क्या करते हैं, द रिसेप्शनिस्ट वेलकम्स विजिटर्स टू द स्कूल, स्कूल को विजिट करने जो भी आते हैं उनका वेलकम करते हैं रिसेप्शनिस्ट। यू कैन टेक हर हेल्प इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल अप योर फादर और मदर, आपको आपके घर में किसी को भी कॉल करना हो तो रिसेप्शनिस्ट की आप हेल्प ले सकते हो। अब नेक्स्ट कौन है, द अकाउंटेंट। द अकाउंटेंट साइड्स इन द स्कूल ऑफिस, जो अकाउंटेंट होते हैं वो स्कूल ऑफिस में काम करते हैं। यू कैन गिव योर स्कूल फी टू हिम, आपकी स्कूल फीस आप किसको दोगे, अकाउंटेंट को। फिर नेक्स्ट है क्लीनर। द क्लीनर कीप्स द स्कूल क्लीन, स्कूल को क्लीन रखने का काम है वो क्लीनर करता है। यू कैन आस्क हिम और हर टू क्लीन द मैसेज यू मेक, यानी कि यू कैन आस्क हिम और हर टू क्लीन द मैश यू मेक, आपने जो भी मैश मेक किया हो उसको क्लीन करने का आप क्लीनर को बोल सकते हो। फिर है गार्डनर। द गार्डनर केयर्स फॉर द स्कूल गार्डन, जो स्कूल का गार्डन होता है उसकी केयर कौन करता है, गार्डनर। यू कैन हेल्प हिम इन योर फ्री टाइम, आप चाहो तो उनकी हेल्प फ्री टाइम में कर सकते हो। नेक्स्ट है द कैंटीन इन चार्ज। कैंटीन इन चार्ज वो क्या करता है, तो द कैंटीन इन चार्ज सेल्स फूड इन द स्कूल, वो स्कूल में फूड को सेल करता है। यू कैन बाय फूड आइटम्स फ्रॉम हिम, आप उनसे फूड आइटम को बाय यानी कि खरीद सकते हो। फिर नेक्स्ट है प्यून। द प्यून डज ओड जॉब्स इन द स्कूल, यू कैन आस्क हिम फॉर डायरेक्शन इन द स्कूल। फिर है द सिक्योरिटी गार्ड। द सिक्योरिटी गार्ड गार्ड्स द स्कूल बिल्डिंग, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो स्कूल बिल्डिंग की गार्ड यानी कि वो उसका ध्यान रखता है कौन आता है कौन जाता है। यू कैन टेल हिम अबाउट एनी स्ट्रेंजर यू सी इन एंड अराउंड द स्कूल, क्या आपको कोई स्ट्रेंजर स्कूल में दिखे तो आप सिक्योरिटी गार्ड को बोल सकते हो। अब हम पढ़ेंगे स्कूल फंक्शंस। यू एन्जॉय मैनी स्कूल फंक्शंस, आपके स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और हम सब वो फंक्शन को बहुत एन्जॉय करते हैं। यू टेक पार्ट इन देम, उसमें पार्ट लेते हैं। योर पेरेंट्स कम टू सी यू,
वो फंक्शंस देखने के लिए आपके पेरेंट्स आते हैं. योर पेरेंट्स मीट योर टीचर्स ऑन अ पेरेंट टीचर मीटिंग डेज. जब पेरेंट टीचर की मीटिंग होती है तब आपके पेरेंट्स टीचर से मिलने आते हैं. आगे है टेक अ राइट मार्क द स्कूल फंक्शंस यू आर पार्टिसिपेटिंग इन. यहाँ पे फंक्शंस नेम है स्कूल एनुअल डे, स्कूल स्पोर्ट्स डे, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे. उनमें से आप में जिसमें भी पार्ट लिया हो उस पर आपको राइट मार्क करना है. ओके अब है स्कूल ड्यूटीज. स्कूल ड्यूटीज में क्या आएगा? गुड स्टूडेंट्स ऑबे स्कूल रूल्स एंड फुलफिल दिस ड्यूटी. जो गुड स्टूडेंट यानी कि अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो स्कूल में जो भी रूल्स होते हैं उसको अच्छे से फॉलो करते हैं और उनकी ड्यूटी निभाते हैं. फर्स्ट है दे ग्रीट देयर टीचर्स, कि जो भी उनके टीचर्स कहे उनको मानना है. सेकेंड थिंग है दे थ्रो द वेस्ट इन द डस्टबिन, जो भी वेस्ट हो उसको डस्टबिन में डालना है. फिर थर्ड है दे हैव गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट्स, जो भी गुड स्टूडेंट होते हैं उनकी मैनर्स गुड मैनर्स होती है और उनमें गुड हैबिट्स होती है. फोर्थ थिंग है दे डू नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम अ बुक्स, बुक में से पेजेस नहीं फाड़ने हैं. फिफ्थ थिंग है दे डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स, वॉल्स पे नहीं लिखना है. सिक्स थिंग है दे नेवर जंप ऑन अ डेस्क एंड चेयर्स, जो भी क्लास में डेस्क एंड चेयर्स होती है उन पे जंप नहीं करना है. सेवन नंबर का है दे वॉक इन टू क्लास इन अ क्यू, जब भी वो चलते हैं वो क्यू में चलते हो. ओके एंड लास्ट है दे शेयर केयर एंड हेल्प ईच अदर, वो दूसरों के साथ कोई भी थिंक हो उसको शेयर करे, उनकी केयर करे और उनको जो भी हेल्प की ज़रूरत हो और उनको हेल्प करे. ओके यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है. फर्स्ट है वो क्या है, एक बच्चा है वो डेस्क और जो भी बेंचेस होती है उस पर जंप करना है तो ये नहीं करना है. जो सेकंड पिक्चर है उसमें एक बच्चा वॉल पे ड्राइंग करता है तो ये गुड मैनर्स नहीं है. थर्ड है वो पेजेस को फाड़ रहा है तो ये भी हमें नहीं करना, इसलिए इन सब पे क्या किया हुआ है, क्रॉस मार्क. फिर राइट मार्क किया हुआ पिक्चर में फर्स्ट है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यू में चल रहे हैं तो हमें ऐसा ही करना है इसलिए राइट मार्क किया हुआ है. फिर सेकंड है टीचर्स की बात को ऑबे करता है स्टूडेंट तो वो भी हमें करना है इसलिए यहाँ पे राइट मार्क किया हुआ है. ओके अब हम देखते हैं एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में ए है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें मैच करना है. रिसेप्शनिस्ट, तो रिसेप्शनिस्ट क्या करता है, वेलकम्स. फिर सेकंड है क्लीनर, क्लीनर क्या करता है, क्लीन्स. थर्ड है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, गार्ड्स. फोर्थ है नर्स, तो नर्स क्या करती है, नर्स केयर्स यानी कि ख्याल रखती है. ओके एक्सरसाइज बी है फील इन द ब्लैंक्स. फील इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है अ डे इन द स्कूल स्टार्ट विथ द ब्लैंक, स्कूल का स्टार्ट कहाँ से होता है, मॉर्निंग असेंबली से. फिर सेकंड है फॉर्म अ ब्लैंक टू गो इनटू क्लास, क्लास में हमें कैसे जाना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा फॉर्म ए क्यू एंड टू गो इनटू द क्लास. थर्ड है चिल्ड्रन वियर अ ब्लैंक टू स्कूल, तो यूनिफॉर्म. डू नॉट ब्लैंक पेजेस फ्रॉम बुक्स, तो हमें पेजेस बुक में से पेजेस को फाड़ना नहीं चाहिए तो हम आंसर क्या लिखेंगे, डू नॉट टीयर पेजेस फ्रॉम अ बुक्स. लास्ट ब्लैंक है योर पेरेंट्स मीट योर टीचर्स ऑन अ ब्लैंक डे, तो पेरेंट टीचर्स की जब मीटिंग होती है तो पेरेंट टीचर से मिलते हैं तो हमारा आंसर होगा योर पेरेंट्स मीट योर टीचर्स ऑन अ पेरेंट टीचर मीटिंग डेज. एक्सरसाइज सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज स्कूल, तो स्कूल क्या है, तो स्कूल इज अ लार्ज और स्मॉल बिल्डिंग विथ मैनी फ्लोर्स, तो स्कूल एक ऐसी जगह पे है वो बड़ी बिल्डिंग भी हो सकती है या छोटी बिल्डिंग भी हो सकती है और उसके बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. ओके सेकंड थिंग है नेम एनी फाइव हेल्पर्स यू मीट इन स्कूल, स्कूल में आप किन से किस हेल्पर्स से मिलते हैं, जो भी यहाँ पे स्कूल में हेल्पर्स होते हैं वो कौन से हैं, तो रिसेप्शनिस्ट,
प्रिंसिपल, फिर प्यून, अकाउंटेंट, क्लीनर जो साफ करता है, फिर गार्डनर जो गार्ड करता है। तो ये सब आप लिख सकते हो, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, राइट फाइव स्कूल ड्यूटीज। तो मैंने आपको यहाँ पहले आपको स्कूल ड्यूटीज पढ़ाई, जो उसमें से आप एनी फाइव लिख सकते हो। ये एट ड्यूटीज है, उसमें से आपको एनी थ्री लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, दे ग्रीट द टीचर्स, दे नेवर जंप ऑन डेस्क, दे वॉक इन टू क्लास इन अ क्यू, ये सब हमें लिखना है, ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एनी फाइव हेल्पर्स इन योर स्कूल। अब क्या करना है, आपके स्कूल में कितने हेल्पर्स हैं, तो ये आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है, ओके। एक्सरसाइज डी है, राइट अ थैंक यू नोट टू योर टीचर हियर। आपको अपने टीचर को थैंक यू कहना हो तो आप कैसे कहेंगे, तो ये नोट आपको लिखना है। तो हम कैसे कहेंगे टीचर को थैंक यू, थैंक यू फॉर इनकरेजिंग मी व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग। तो जब भी हम स्ट्रगल में होते हैं तो हमारे जो टीचर होते हैं वो हमें इनकरेज, यानी कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं। फिर सेकंड है, योर क्लास टॉट मी हाउ टू बी अ बेटर स्टूडेंट, कि आपकी क्लास ने मुझे सिखाया कि गुड स्टूडेंट यानी कि सबसे अच्छा स्टूडेंट कैसे बनते हैं। फिर है, यू आर द बेस्ट टीचर एवर, आप सबसे बेस्ट टीचर हो। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा, ओके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, लेबल द डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ रानीज यूनिफॉर्म। रानी की ये यूनिफॉर्म है, उसमें रिबन, शर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, स्कर्ट, टाई, बेल्ट, सॉक्स और शूज है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वैसे ही आपको अपनी बुक में फिलअप करना है, ओके। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है।